हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग आप बहुत ही इन्जॉय करने वाले हैं। मैं आज शॉपिंग करने गई थी, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे गोशा में अलबारिक मॉल है, बहुत अच्छा है, सब चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। बच्चों की कलेक्शन बहुत अच्छी है, बड़ों की भी, मतलब अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, बहुत अच्छे मिल जाते हैं जी। यहाँ पे मैं शॉपिंग करने गई थी, मैंने अपने बच्चों के कुछ कपड़े लिए। ये जीमल के साइड पे मैं गई थी, फिर मैं इस्माइल के कपड़े लेने गई। मैंने कुछ कुछ वीडियोस में आपको दिखाने की कोशिश की है। प्रॉपर तो नहीं हम वीडियो बना सकते, फिर शॉपिंग भी करनी होती है, बच्चों के साथ घर को भी देखना होता है, तो बस फिर टाइम जितना हो उतने टाइम में मैंने आपको सब दिखा दिया। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर लाजमी करना है। ये देखिए जी, यहाँ पे बिल बनवाया तो हम घर आ गए। मैं लोकल मार्केट में भी गई थी, कुछ मुझे उधर काम था, मैंने इधर से भी कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो विज़िट किया, कुछ सामान मैंने इधर से लिया, बाकी कुछ मैंने मॉल से सामान लिया, तो मैंने बहुत अच्छी बच्चों की शॉपिंग कर ली। ये देखिए जी, ये हमारे जानने वाले थे तो फाइक जी ऊपर चढ़ गया शीशे पर, मुझे तो कहता है इधर ही खड़े होकर शॉपिंग करनी है, तो बस उन्होंने फिर कुछ कहा नहीं कि बच्चा कोई बात नहीं, जल्दी से हम आपको शॉपिंग दिखाते हैं। ये मैंने इस्माइल के कुछ लॉन के ड्रेसेस लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये मैंने लॉन के पीस होते हैं, निकर और शर्ट में इस्माइल के स्टिच करवाऊंगी। ये मैंने डाइनिंग टेबल की शीट ली है, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी और प्राइस में इतनी रीज़नेबल, आई थिंक 800 में मुझे ये मिली और मुझे बहुत रीज़नेबल मिल गई, बहुत अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह मैं आपको डेकोर करके तो फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, जैसे वो जीन्स का कपड़ा होता है ये वैसा स्टफ़ था। इस्माइल के कुछ ड्रेसेस थे और एक फाइक का पाउच लिया, उसको ट्यूशन के लिए चाहिए था, उसने कुछ अपनी एसेसरीज रखनी थी। ये फाइक की शर्ट है, मैं पहले भी इनकी शॉपिंग कर चुकी हूँ, लेकिन जब जाते हैं तो औरतें खाली हाथों वापस नहीं आ सकती, ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर मैंने बस जाते जाते बच्चों के कुछ कपड़े ले लिए जो नॉर्मली घर में ये पहनेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह जिमल का ये बहुत अच्छा ड्रेस है, बहुत ही प्यारा जी। तो ये है अर्बन स्टूडियो का ड्रेस, ये बहुत अच्छा ड्रेस मुझे लगा। ज़िमल बहुत स्लिम स्मार्ट सी है, तो मुझे बहुत देख के कपड़े लेने पड़ते हैं, तो अर्बन स्टूडियो बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। माशाल्लाह से उसको बहुत सूट किया था, मैंने घर आके उसको पहनाया, बहुत अच्छी लग रही थी। आप भी इधर से ज़रूर शॉपिंग कीजिएगा, बहुत अच्छे ड्रेसेस होते हैं इस्माइल के, माशाल्लाह से क्यूट क्यूट से ड्रेसेस हैं, कुछ वाइब्स थी। ये भी देखिए इस्माइल का ब्लैक और ब्लू में, ये माशाल्लाह माशाल्लाह इस्माइल को बहुत सूट किया था। गर्मियों के बस बच्चों के कपड़े, सर्दियां हो तो बच्चों के कपड़े, मुझे लगता है जो हाउस वाइफ होती हैं, मदर्स होती हैं, उनको तो बस अपने बच्चों को देखना होता है कि हर मौसम के उनके ड्रेसेस जो हैं वो टाइम से आ जाएँ। बस मुझे भी यही था, आगे ईद आ रही है, हमारे घर गेस्ट माशाल्लाह से आ रहे हैं, तो बस मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी, तो मैं जल्दी से बस एक बाज़ार का चक्कर लगाया और मैंने कुछ कुछ कपड़े लिए, बिकॉज़ मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। ये मैं लोकल मार्केट में गई थी, तो वहाँ पे मैंने किचन टॉवल लिए, कुछ अपने शीट मास्क लिए, कप्स लेने थे 6 कप्स लिए मैंने, और कटोरियाँ ली, अपने लिए शीट मास्क लिया। ये बस ज़बरदस्ती उसने मुझे दे दिया कि आप इसको ट्राई करें, अर्जेंट फेशियल था, इसका रिव्यू मैं आपको ज़रूर दूंगी। और जो ये था, ये मैंने गोल्ड का कुछ समथिंग इस तरह का था, तो मैंने ट्राई किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये शीट मास्क है, ये मैं पहले भी यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। ये भी उसने मुझे कहा है ग्लैमर्स का है, उसने कहा बहुत अच्छा है, 3-in-1 है, ये चारकोल का है, इनके भी मैं आपको रिव्यू दूंगी मुझे किस तरह के लगे। ये कटोरियाँ थी घर के लिए, मैं बस ये लाती रहती हूँ, नाइफ ली थी 1-2, उसके बाद ये कॉटन पैड्स हैं, रिमूवर, मेकअप रिमूव करती है ना, तो मैं उसमें ये यूज़ करती हूँ। बस ये ब्रशेस थे, कुछ लोकल मार्केट से भी सामान लिया, कुछ बच्चों की शॉपिंग की, तो बस जाते जाते मुझे इस्माइल के लिए बहुत अच्छी ये प्रोडक्ट लगी। आपने भी जिनके छोटे छोटे क्यूट से बेबी हैं उनके लिए लेके जाएं, ये बहुत मुझे बेनिफिशियल लगा है। इसमें फ्रूट ऐड करें तो ये बहुत अच्छे से बेबी खा सकता है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।